जस्ट लेट स्टार्ट। हमने काफी प्रीपोजिशन पढ़े थे, थोड़े हम आज और पढ़ लेते हैं। देखिए चाहो तो मैं एक दिन में पढ़ा सकता हूँ, पर वो समझ में नहीं आते, उसमें क्या सब लोकल स्टेशन छूट जाएंगे, हर कोई उस एक्सप्रेस गाड़ी को फिर पकड़ नहीं पाएगा। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, जो धीरे चलते हैं, आराम से चलते हैं, लगातार चलते हैं, रेस तो वही जीतते हैं। क्योंकि आज के पहले भी आपने बहुत फास्ट गति से पढ़ के देख लिया होगा, अपन अब स्लो में चलते हैं, ठीक है ना, ताकि चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें कल हमने जो पढ़े थे उसके अलावा देखो कुछ यहां पर पार्ट थ्री तीसरा है ना, पार्ट थ्री है सर, दो बार पहले पढ़ चुके अपन पार्ट थ्री, ताकि वीडियो जब सर्च करो तब थोड़ा आसानी रहेगी। अब यहां पर सबसे पहले लेते हैं अपन अंडर और बिलो, दोनों का अर्थ होता है नीचे की तरफ, नीचे, पर दोनों का जो प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो अलग तरीके से होता है। कैसे, यहां पर देखिए अंडर नीचे, परंतु स्पर्श नहीं, कोई वस्तु किसी के नीचे हो, कोई वस्तु किसी के नीचे हो परंतु स्पर्श नहीं होती हो, वहां पर किसका प्रयोग होगा, अंडर का प्रयोग। वहीं जो बिलो से पद आयु या स्तर में नीचे, यहां कोई वस्तु किसी के नीचे है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई पद में छोटा है, कोई आयु में छोटा है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, बिलो का प्रयोग। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं अपन, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली कहां बैठी है, टेबल के नीचे, और टेबल उसे क्या कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, तो किसका प्रयोग हुआ, चलो भोंकने की आवाज भी दुनिया सुनेगी, ठीक है ना। दूसरा जैसे देखिए, आई रॉट माई नेम बिलो हिज नेम, मैंने मेरा नाम उसके नाम के नीचे लिख दिया, यहां पर कोई वस्तु किसी के नीचे नहीं है, पर उस पद के मुकाबले में, उस स्तर के मुकाबले में नीचे लिख दिया, यहां पर किसका प्रयोग होता है, अंडर का। और बिलो का, अंडर का प्रयोग हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जैसा इसका अर्थ है वैसे इसका प्रयोग होता है, कोई इसका हिडन अर्थ नहीं होता है। एक जो प्रोनाउन है ये आपको हमेशा परेशान करता है, फ्रॉम और सॉरी प्रीपोजिशन, फ्रॉम और टू, इस पे फ्रॉम भी है टू भी है, इसका प्रयोग अक्सर हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। फ्रॉम, यहां दो शब्द ध्यान रखते हैं, फ्रॉम का मतलब होता है अलग, अलग होना, और टू का मतलब होता है मिलना। कहीं कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं से अलग होता है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का, और कहीं मिलता है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, टू का। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, He is returning from field. यानी दूसरा वाक्य लिखू मैं, He is going to field. जो पहला वाक्य लिखा He is returning from field. वो खेत से लौट रहा है, मतलब खेत से अलग होकर आ रहा है। यदि यहां दूसरे में ही इज गोइंग टू फील्ड, दूसरा है कि वह खेत पे जा रहा है, मतलब मिल रहा है वहां। यहां पर इन दोनों का अर्थ में देखिए, दोनों का साथ में भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ही इज गोइंग फ्रॉम उदयपुर जयपुर,
ही इज गोइंग फ्रॉम उदयपुर टू जयपुर। यहाँ पर देखिए हाँ, ही इज गोइंग फ्रॉम उदयपुर टू जयपुर। यहाँ पर देखो फ्रॉम और टू दोनों का उपयोग हो रहा है। वह जा अलग कहाँ से हो रहा है? उदयपुर से। वह उदयपुर से कहाँ जा रहा है? वो जयपुर जा रहा है। अलग कहाँ से हुआ? उदयपुर। और मिल कहाँ रहा है? जा कहाँ रहा है? जयपुर। तो जयपुर के पहले टू का प्रयोग और उदयपुर से अलग हो रहा है तो उसके पहले किसका प्रयोग? फ्रॉम का प्रयोग। इज इट क्लियर? ये अब इसके बाद देखिए एक बिटवीन और अमोंग का कल करवा दिया था ना। चलिए ठीक है। आफ्टर बिफोर आफ्टर या बिफोर जैसे कि जैसा इनका अर्थ है वैसे इनका क्या है? प्रयोग। हाँ आफ्टर या बिफोर जैसे कि आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब जैसा इसका आफ्टर बाद में बिफोर पहले जैसे इसका अर्थ है वैसे इसका प्रयोग है। ठीक है जैसे देखो आई कैन बिफोर हिम दूसरा My house is after his house. इसे I came before him. मैं उससे पहले आया। तो पहले के लिए यहां होता है I came after him. उसका अर्थ होता है मैं उसके बाद में आया। यहां जैसे My house is after his house. मेरा मकान उसके मकान के बाद में है। तो ये जैसे इनके शब्द हैं, वैसे इनका क्या है? जैसे ये अर्थ है वैसा ही इसका क्या होगा? प्रयोग होगा। उसके बाद है बाय और विथ। ये हमें दोनों एक जैसे लगते हैं बाय और विथ। चलो ठीक है चलो। देखिए बाय के दो तीन इसके प्रयोग हैं। दो तीन प्रयोग कैसे वो समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बाय का बता रहा हूं। उसमें पहला है निकट के अर्थ में, दूसरा होता है के द्वारा। बाय का मतलब शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? के द्वारा। एक तो तीसरा होता है अधिकतम समय। अधिकतम समय के अर्थ में इनकी प्रयोग क्या है वो देख लीजिए और इसका प्रयोग समझ लीजिए। एक और होगा शायद यात्रा का तरीका। चारों इसके उदाहरण के समझ समझा देता हूं। चौथा है यात्रा का तरीका। निकट के अर्थ में इसके पहले हमने एक और का प्रयोग किया था। किसका किया था? निकट के अर्थ में हमने एक प्रीपोजिशन और का प्रयोग किया था एट का। किसका? एट का किया था। यहां पर भी उसी रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही इज सिटिंग बाय हिज मदर। दूसरा स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। वी हैव कंप्लीटेड वर्क बाय 5 PM।
वी विल विजिटेड बाय ट्रेन। देखिए ही इज सिटिंग बाय हिज मदर, मतलब वो अपनी माँ के पास क्या है बैठा हुआ है। यहां पर इस संदर्भ में मैं इस जगह एट का प्रयोग करें तो भी क्या होगा सही होगा। स्नेक पास किल्ड बाय मी, सांप मेरे द्वारा मारा गया। के द्वारा मतलब आए तो हमेशा किसका प्रयोग होगा बाय का प्रयोग। वी हैव कंप्लीटेड वर्क बाय 5 PM, अभी अधिकतम समय मतलब 5 बजे तक काम पूरा करना ही है। इसका मतलब हमें 5 बजे तक काम पूरा करना है, मतलब अधिकतम सीमा के पहले उस काम को क्या करना है कर देना है। वी विल विजिट बाय ट्रेन, हम ट्रेन द्वारा यात्रा करेंगे। किसी यात्रा का क्या माध्यम है, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, प्लेन के द्वारा, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा हमें इसे बंद कर देता ताकि मिटाने का। हाँ, विद का प्रयोग देखिए, बाय और विद लगते एक जैसे हैं, पर विद का प्रयोग होता है किसी वस्तु की मदद से काम किया जाएगा। विद का मतलब था के साथ, ठीक है ना। इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है किसी वस्तु की मदद से, जैसे कि कट विजिटेबल विथ नाइफ, मतलब विथ क्योंकि चाकू की मदद से, चाकू से सब्जी काटो, चाकू की मदद से काम हो रहा है, औजार के साथ काम हो रहा है, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा विथ। और के साथ कोई किसी के साथ है तो उस संदर्भ में भी विथ का प्रयोग होता है, जैसे ही इज कमिंग विथ मी, अर्थात कि वह मेरे साथ आ रहा है, तो साथ आ रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा विथ का प्रयोग होगा। एक और इम्पोर्टेंट है प्रीपोजिशन आपका फॉर या सिंस, फॉर और सिंस का प्रयोग अलग अलग रूप में होता है। जिसे कहते हैं जैसे फॉर अनिश्चित समय के लिए, किसके लिए अनिश्चित समय, जैसे पीरियड ऑफ टाइम। सिंस निश्चित समय, समय पॉइंट ऑफ टाइम, इसे समझिए। एग्जिट समझ आपको दे रखा हो कोई, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग। इससे यू समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। जैसे देखिए फोर का प्रयोग कोई दिन दे रखा हो, कोई ईयर दे रखा हो, साल दे रखा हो, कोई वीक, कोई सप्ताह दे रखा हो, इनके पहले किसका प्रयोग होगा फोर का प्रयोग। और सिंस का प्रयोग निश्चित समय दे रखा हो, जैसे कोई दिनांक डेट दे रखी हो। डे और डेट में अंतर है, डे और डेट में अंतर है। दिन कहे सोमवार, सोमवार तो ये वाला सोमवार है, वो वाला सोमवार ये पता नहीं, पर यदि फिक्स कह दिया कि 15 सितंबर, तो 15 सितंबर इज ए फिक्स टाइम, 15 सितंबर के पहले तो क्या लगेगा सिंस लगेगा। और किसी ने कहा 4 दिन से, फोर डे इज नॉट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसके पहले किसका प्रयोग होगा फोर का प्रयोग होगा। थोड़ा मैं समझा दूंगा, अभी डेट आ जाए, जैसे कोई टाइम आ जाए, जैसे फिक्स 4 PM, जैसे फिक्स टाइम के लिए, जैसे 4 PM, इनके लिए हम एट का प्रयोग भी हम क्या करते हैं करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूं, देखिए एक फोर का प्रयोग और होता है, यहां लिख देता हूं के लिए। से फोर का मतलब ही इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है के लिए होता है। जैसे देखो एग्जांपल, दिस हाउस इज फॉर सेल, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर, या इट हैज बीन
ट्रेनिंग सिंस 5 PM। देख लीजिए एग्जाम्पल की हूं, दिस हाउस इज फॉर सेल, मतलब ये मकान बेचने के लिए है, के लिए इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है। अब ये 2 घंटे कौन से ये पता नहीं, निश्चित समय नहीं, सुबह वाले, शाम वाले, दोपहर वाले, रात वाले, इससे कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये अनिश्चित समय, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ, फोर का प्रयोग। यहाँ पर जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस 5 PM, 5 बजे से बारिश हो रही है, तो 5 बजे फिक्स समय, 4 बजे के बाद और 6 बजे के पहले। 5 बजे हमें से फिर एक दिन का एक फिक्स समय होता है 5 बजे, तो ये निश्चित समय है इसलिए इसके आगे सिंस का प्रयोग, ये अनिश्चित समय इसलिए इसके आगे किसका प्रयोग किया, फोर का प्रयोग किया। अब इसके अलावा है बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, पर ध्यान रखना। इन दोनों में क्या अंतर है, बिसाइड और बिसाइड में देखो अंतर क्या है इसमें, हाँ, और एक में एस है एक में एस नहीं है, जिसमें एस नहीं है, जिसे ये जो बिसाइड दे रखा है इसमें एस नहीं है, इसमें पास निकटता का भाव, इसका भाव। अब देखिए आप ये निकटता वाले 3 प्रीपोजिशन आ गए, सबसे पहले एट, फिर बाय, अब बिसाइड। आप कहोगे कि ऐसा कोई वाक्य आ गया तो ये तीनों, तब इन तीनों में से कोई एक ही देगा, बाकी दूसरे दे देगा, अर्थात की बाय बिसाइड्स और इनमें तीनों में से कोई एक ही देगा, वो हमको क्या करना है, भर देना है। कोई निकटता के भाव में बिसाइड का अर्थ होता है, इस बिसाइड्स का मतलब होता है जिसके पीछे एस लगा होता है, इसका मतलब होता है साथ साथ, दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, क्या मतलब हुआ यहां पर इसका, कि वो मेरे पास बैठा हुआ है। जैसे देखिए देयर वर 5 अदर बॉयज बिसाइड्स राम, या बिसाइड्स है, या ही सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा हुआ है, ठीक है ना। यदि यहां पर कोष्टक में यदि एट और बाय हो तो उसका प्रयोग भी यहां पर संभव है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। There were 5 other boys besides Ram. कि राम के साथ साथ और कितने बच्चे लोग थे यहाँ पर, 5 लोग थे। यहाँ besides लग गया है तो इसका मतलब कि राम के साथ साथ 5 और थे, तो इस साथ साथ के अर्थ में इस beside का प्रयोग हो सकता है, क्लियर। उसके बाद है एक प्रयोग of, पहले आया of का प्रयोग, बताओ याद करो, यदि इस ऑफ का मतलब होता अलगाव, अलगाव का मतलब अलग, अलगाव का मतलब क्या होता है, अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे देखिए ही हैज फॉलन ऑफ, जैसे वह क्या हो गया, नीचे गिर गया, फॉलन ऑफ द साइकिल। एक तो जैसे कहीं और जगह से नीचे गिरते हैं वो एक अलग चीज है, यहां पर ही हैज फॉलन ऑफ द साइकिल, वो साइकिल से गिर गया, मतलब साइकिल से क्या गिरा, इसका मतलब साइकिल से वो क्या हो गया, अलग हो गया, अलग होता नहीं गिरता ही नहीं। तो यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, ऑफ का प्रयोग हो रहा है। मैं देख लेता हूं इसमें यदि कोई, चलिए आपने कर लिया होगा वो खुद चेक कीजिए कितने सही है कितने गलत है, साहिल के सब मिलके चेक कर लेंगे। आई गो स्कूल डेली टू, क्योंकि जा रहे हैं वहां पर इसलिए, क्या लगेगा पहले में, टू। आई एंटर द ऑफिस इंटू, क्यों, क्योंकि वो गति हो रही है, इंटू
ही पुट द बुक्स द बैग इन, किताबें कहाँ रखेगा? बैग के अंदर। अंदर की स्थिति के लिए किसका उपयोग होगा? इन का उपयोग। इन द बुक फेल द टेबल, डबल एफ वाला डबल, हाँ वो ऑफ ही का इजाजत किया, डबल ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस ऑफ का उपयोग होगा, क्यों? अलग होना, यहाँ भी लिखा है ना, अलग होना उसके लिए, डबल ऑफ वाला ऑफ, ठीक है। ही वॉक्स, ही वाज वॉकिंग द कैनाल अलोंग। देखो नहर के किनारे किनारे चल रहा, नहर के अंदर तो चलेगा नहीं, और किनारे किनारे चलते उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? अलोंग का। यहाँ पर आ जाएगा अलोंग, अलोंग। ही स्विम्स द रिवर इन, स्विम अक्रॉस, क्या आएगा? अक्रॉस इन द रिवर, भी यहाँ पर किसी ने किया है तो सही है। हाँ वो नदी को पार भी कर सकता है, नदी में तैर भी सकता है, ठीक है। ही केम संडे ऑन, क्यों? बार, बार के आगे हमेशा क्या आएगा? ऑन। ही केम 9 o'clock, एग्जैक्ट समय, घड़ी वाला समय एट आएगा। स्टूल इज मेड वुड, फ्रॉम, क्यों? लकड़ी से बनी है, लकड़ी दिखती भी है उसके अंदर, कोई चीज किसी से बनी और उस पर वो दिखती भी हो तो किसका उपयोग होता है? फ्रॉम का, और नहीं दिखती हो तो ऑफ का। फ्रॉम और ऑफ का बताया था कल मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रॉम आएगा कि लकड़ी दिख भी रही है। आई वाज सिटिंग द गेट, गेट के ऊपर ऑन लगा दोगे तो मैं गेट के ऊपर बैठा था, संभव नहीं है, उसके निकट बैठे थे, इसलिए किसका उपयोग होगा? एट का उपयोग। बिल्कुल सही से, एक एक्सरसाइज 10 की मैं आपको और दूंगा, और कल मैं 30-40 क्वेश्चन यहाँ मैं करवा दूंगा, ऐसे कंफ्यूजन वाले कि जहाँ लगे कि यार ये गलत हो सकते हैं, तो वो गलत नहीं होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हम कल और कर देंगे, ठीक है ना।